From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45. 20 meter high building, है ना? ये building क्या है कितने का है? 20 meter. 20 meter. High. पर एक टावर है ना, ठीक है. और चलिए आगे. बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, करें कि एक टावर इज ओवर द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हाफ हाइट 20 मीटर, 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उसके छत पर जो है एक टावर लगा है. इस टावर की हाइट आपको बताना है, ठीक है. और करें कि ग्राउंड पर एक पार्टो है, अगर हम टावर का फुट देखते हैं तो आई साइड कितना उठाना पड़ता है? 45. आई साइड आपको कितना उठाना पड़ेगा? 45 डिग्री. तो मेरे फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो गया और टॉप को देखने के लिए आई साइड आपको 60 डिग्री उठाना पड़ रहा है, ठीक है. तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लिया है? 60 ना. ये कंडीशन दिया है, अंडर दिस कंडीशन यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट आपको देखिए ना, ठीक है. तो चलिए देखिए इसके लिए क्या करते हैं. देखिए ट्रायंगल बीसी को कहीं करते हैं पहले और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि BC नोन है. BC क्या बताओ? नोन है, BC नोन है और 45 नोन है, x की वैल्यू आ जाएगी. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तीन होता है तो अगर नोन है तो तीन आ जाएगा, ठीक है. फिर राइट ट्रायंगल BCO इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल BCO, BCO में टेन ऑफ टेन 45 कितना होगा? 10.5 इक्वल टू बी सी अपॉन उस बी सी अपॉन, है ना. 10.5 ये होगा बी सी अपॉन उसे. देखिए 45 ये एंगल है आपका, इस एंगल के लिए बी सी क्या होगा? परपेंडिकुलर. और उस सी क्या होगा? बेस. तो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस क्या कहलाता है? 10. तो 10.5 लिखिए. अच्छा 10.5 की वैल्यू क्या होती है? 1. ये 1 लिख दीजिए. बी सी की वैल्यू क्या दिया? 20. उस सी की वैल्यू आपने माना एक्स कितना, ठीक है.
डेसिमल नंबर कुछ है दिस समझ में आ गया तेरे काफी राइट।